अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइस आप लोग। भाई अब मैं वो वीडियो लेके आया हूँ अभी जो मैंने अभी तक किसी भी YouTube चैनल के ऊपर नहीं देखी। मैंने सोचा कि भाई मैं बना लेता हूँ उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर मैंने कोई वीडियो देखी नहीं है अभी तक। आपने पढ़ लिया होगा भाई टाइटल और थंबनेल में कि मीडिया का टैग जो है वो कैसे लेना है भाई इसके ऊपर, ग्रैंड आरपी के ऊपर। हो सकता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ जाए। तो भाई सबसे पहले मैं कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए अगर आप मीडिया पर्सन बनना चाहते हो ग्रैंड आरपी के अंदर। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है भाई कि आपको यूट्यूबर होना पड़ेगा लाजमी। आप तो जो सब्सक्राइबर है ना वो 1000 से ज़्यादा हो तो उतना अच्छा है। मैं आपको बता सकता हूँ यार कि दूसरी वीडियो से ज़्यादा ना ग्रैंड आरपी की वीडियोज़ के ऊपर अच्छे व्यूज़ आते हैं। ये सबसे पहला क्राइटेरिया है, क्योंकि ये मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप लोग कर लोगे यार, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है। ओके, तो दूसरी रिक्वायरमेंट इसके लिए ये है कि आपके जो व्यूज़ है ना वो अच्छे आने चाहिए, आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ अच्छे आने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि लाखों में आने चाहिए, ये है कि कुछ हंड्रेड्स में तो होने ही चाहिए आपके जो व्यूज़ हैं। थाउजेंड्स में आ जाए तो और भी अच्छा है, 1000, 2000, 3000, 5000 व्यूज़ तो मैं कह रहा हूँ सबसे बेस्ट है। आपकी जो ऑडियंस है वो गेमिंग वाली ऑडियंस होनी चाहिए, वो ऐसी ऑडियंस होनी चाहिए जिसको आप जो है ना वो ग्रैंड आर्ट में लेके आ सकें। आखिरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अप्रोच किस तरह से करना है। सही है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको एडवांटेजेस बताता हूँ कि आपको फ़ायदे क्या होंगे मीडिया पर्सन बनने के। सबसे पहला जो फ़ायदा ना वो तो ये है कि रेफरल गिफ्ट्स आपको मिलेंगे। वो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे होता है रेफरल सिस्टम, ये रहा देखो। तो ये सारे मैं क्लेम कर चुका हूँ क्योंकि मैं मीडिया पर्सन हूँ। और यहाँ पे आते आते एक एडवांटेज आपको ये है कि आपको कीजी बूस्ट शूज़ मिल जाएंगे। एक तो आपको वाइपर मिल जाएगी कुछ इनवाइट्स के ऊपर, और वाइपर जो है वो अच्छी प्राइस में बिक जाती है अगर आप अपग्रेडेड हो। दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको मीडिया पर्सन बनते ही हो सकता है कि एडमिन से जो है ना वो थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएँ, यानी कि स्टार्टअप करने के लिए अपना जो सिस्टम है, क्योंकि आपको फैमिली बनानी पड़ती है मीडिया पर्सन बनने के बाद, तो उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो वो फैमिली आपको खुद बना के देते हैं, लेवल 4 भी करके देते हैं जो कि ठीक ठाक महंगी बनती है, 30-40 मिलियन लगते हैं उसमें। और उसके अलावा आपको कुछ पैसे और भी दे देते हैं, मतलब मैं जब मीडिया पर्सन बना था मुझे एडमिन ने 10 मिलियन पकड़ाए थे स्टार्टअप करने के लिए। आपको कैजुअली जीसी भी मिलते हैं, यानी कि अगर आप मीडिया पर्सन हो ना तो इवेंट्स वगैरह या जब भी आप चाहो आपको जीसी मिल जाते हैं एडमिन से, कोई वीडियो बनाने के लिए या इस तरह। थोड़े भी नहीं, मतलब 100, 150, 200, 250 जीसी ऐसे मिलते रहते हैं आपको। अगर आपके व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं और आप हुक कर लेते हो अपनी ऑडियंस को, मतलब लोग आपके रेफरल लिंक से गेम में आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ग्रैंड आरपी का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें आपको रियल पैसे भी मिल जाए, मतलब पर वीडियो पर रियल मनी भी मिलती है। अब वो मैं नहीं बताता कि कितनी मिल सकती है क्योंकि वो ज़रा कॉन्फिडेंशियल मामला होता है। एक एडवांटेज ये है कि आपको एडमिन सपोर्ट मिलेगा इसमें। एडमिन सपोर्ट में ये होता है कि आपका जो है ना वो अलहदा से एक ग्रुप बना दिया जाता है एडमिन्स के साथ डिस्कॉर्ड के ऊपर, और उस ग्रुप में जो है अगर कोई भी मसला परेशानी होता है, आपको कोई भी असिस्टेंट चाहिए, आपको यहाँ पे इस जगह से कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं आपको करना पड़ेगा, आप ग्रुप में जाके एडमिन्स को बोल दो, वहाँ से डायरेक्टली आपका काम जो है वो हो जाएगा। एडवांटेज एक और जो है जो वो ये कि आपको मिलता है मीडिया टैग। आम लोगों को तो नहीं दिखता वो, आई विश कि आम लोगों को भी दिखता कि हाँ ये बंदा मीडिया वाला जा रहा है तो मीडिया टैग का ज़्यादा फ़ायदा होता, लेकिन एडमिन्स आपको देख सकते हैं। आपके ऊपर ना रेड कलर का मीडिया लिखा आ जाता है जो एडमिन्स को पता चल जाता है कि ये मीडिया का बंदा है। अब इसके ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, यानी कि कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले आप जो है वो क्रिप्टो नहीं खरीद सकते। मुझे पता है ज़्यादा लोगों से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि क्रिप्टो वैसी बैठी हुई है सर्वर पर। मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छा इधर से फ़ोन खोल के ये देखो, आप यहाँ पे आप क्रिप्टो बाय नहीं कर सकते। अभी मैं तो कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अपना मीडिया टैग जो है वो हटवा लिया है इसके डिसएडवांटेजेस की वजह से। लेकिन इसके इससे बड़े नुकसान भी हैं इसके, वो ये हैं कि आप ऑक्शन में बिडिंग नहीं कर सकते। मतलब आप कपड़ों के ऊपर तो बिड कर सकते हो, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर ऑक्शन में जाके आप घरों के ऊपर और बिजनेस के ऊपर बिड नहीं कर सकते। एक और नुकसान मीडिया टैग का जो इससे भी बड़ा है वो ये है कि अगर आपके पास कोई घर या अपार्टमेंट है तो आप उसको सेल नहीं कर सकते, किसी पर्सन को आप डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते। वो उसका एक दूसरा तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बेचना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। अगर आप अपना घर या अपार्टमेंट सेल करना चाहते हो तो आप जिसको सेल कर रहे हो उसको आप लोगे अपने साथ, वहाँ पर जाओगे, वहाँ पे जाके अपना जो अपार्टमेंट या घर है उसको वहाँ पे
लिस्ट करोगे और लिस्ट करने के बाद जो है वो बंदा वहाँ से आके ना ख़रीद सकता है उसको, लेकिन डायरेक्टली अगर आप उसको सेल करने की कोशिश करोगे तो वो एरर आ जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हो कि अप्लाई कैसे करना है। मीडिया पर्सन बनना चाहते हो, ऊपर वाला जो सारा क्राइटेरिया मैंने आपको बताया उसको उस पर भी आप मीट करते हो, तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हो मीडिया पर्सन बनने के लिए? तो उसके तीन तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है ना वो तो है डिस्कॉर्ड। उसके लिए जो है आपको आना है डिस्कॉर्ड पे। इसके लिए आपको डिस्कॉर्ड पे आना है। डिस्कॉर्ड पे इनका जो सर्वर है ग्रैंड आरपी का वो आपको मिल जाएगा, ग्रैंड आरपी के यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ग्रैंड आरपी की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। यहाँ से इन लोगों को, नेपाल को या किसी को भी यहाँ से टेक्स्ट कर देना है कि मैं मीडिया पर्सन बनना चाहता हूँ। यहाँ पे मज़र को भी आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको मीडिया क्यूरेटर मिलता है तो आप उसको कर लो तो ज़्यादा और भी अच्छा है। या पीआर मैनेजर्स को भी आप कर सकते हो, और इन लोगों को आप मैसेज कर सकते हो। यानी कि आपने हाय हेलो नहीं करना, आपने अपनी पूरी बात रखनी है एक मैसेज के अंदर। तो बताना है पूरा कि भाई ये सीन है, मैं मीडिया बनना चाहता हूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरा नाम है, पूरी डिटेल आपने देनी है और वो लोग जो है वो आपको रीच आउट कर लेंगे। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि हर सर्वर का अलहदा है सीन। अगर आपने EN2 या EN3 पे खेलते हो तो वहाँ पे अलहदा लोग होंगे, यहाँ पे अलहदा लोग हैं। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। यहाँ से आपको रिप्लाई नहीं मिलता लेकिन आपने फिर भी ट्राई करना है। तो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए काम कर जाना चाहिए होपफुली। यहाँ से आपने आना है ग्रैंड आरपी की वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट आप खोलोगे, यहाँ पे आप मेन इसके ऊपर आ जाओगे, पेज के ऊपर जहाँ से आपने लॉन्चर वगैरह डाउनलोड किया था। इस पर आपने फुल स्क्रॉल डाउन करना है और बिल्कुल एंड पे आ जाना है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये लिखा हुआ है मीडिया कोलैबोरेशन। मीडिया कोलैबोरेशन पे ये साथ ईमेल दी हुई है। अभी आपने इस जगह पे ईमेल करनी है। ईमेल आपको करनी आनी चाहिए एक अच्छी सी हेडिंग दे के नीचे, अपनी वही डिटेल जो मैंने आपको पहले बताया था कि लिखनी है, और इस ईमेल के ऊपर आपने इनको ईमेल करनी है जहाँ से ये मीडिया क्यूरेटर्स वगैरह से रابطہ भी करते हैं। और होपफुली जो है यहाँ से ना आपका हो जाना चाहिए रابطہ। और अगर बिलफर्ज यहाँ से भी नहीं होता तो तीसरा जो तरीका है वो ये है कि आप एक तुक्का ले सकते हो, यानी कि इंस्टाग्राम पे आप नेपाल को या मज़र प्लेक्सरी को मैसेज कर सकते हो। मेरा जो तरीका था, सबसे पहले मैंने मज़र को मैसेज किया था इंस्टाग्राम के ऊपर। बाकी ये तरीके मुझे नहीं पता थे उस टाइम, मेरा तो वहीं से काम हो गया था। खैर, क्योंकि मेरे आई थिंक इंस्टाग्राम के ऊपर भी मेरे 100 के फॉलोअर्स हैं, तो उस वजह से मेरा मैसेज उस पर शायद नज़र आ गया होगा, तो वहाँ से मेरी बात हो गई थी मज़र से। तो यही वो टोटल इन्फॉर्मेशन है जो आपको रिक्वायर्ड है मीडिया पर्सन बनने के लिए। और आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये आई थिंक और कोई भी नहीं देगा, और आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं मिलेगी। यूट्यूब के ऊपर मैंने सर्च किया, मुझे तो नहीं मिली। गुड लक गाइस, अगर आप बनना चाहते हो मीडिया पर्सन तो ये तरीके आप कर सकते हो, ये चीज़ें जहन में रख के आप मीडिया बन सकते हो। और कोई आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ लो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका जवाब दे दूँ। इस वीडियो से अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो मेरी खुशी के लिए। अब मिलते हैं यार किसी अगली ग्रैंड आरपी की वीडियो में या किसी और गेम की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।